फ्रेंड्स, हमारे एम सी टेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कैनन सीरीज, जी सीरीज में जी 2000 मॉडल है, 2000 है। इस पे हम हमारी इस प्रिंटर पे इंक नहीं आ रहा है और ये कुछ छापने की कोशिश कर रहा पर हो नहीं रहा है। और देख, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे इसमें इंक नहीं है और पाइप में इंक नहीं है और ये छाप भी नहीं रहा है। तो हम इसमें पाइप में इंक कैसे ले आएंगे, हम आपको बारी बारी करके बताएंगे। तो पहले आपको ये जो केबल है पावर वाली, हम इसको निकाल लेंगे और इसके बाद वापस लगाएंगे जैसे कि हमने लगा दिया है। और अब प्रिंटर को ऑन करना है, तो हम प्रिंटर जैसा कि ऑन कर रहे हैं, हमने ऑन वाली बटन दबा दिया है, हमारा प्रिंटर ऑन हो चुका है। जब तक लाइट ब्लिंक कर रही है, आपको प्रिंटर की कोई भी बटन प्रेस नहीं करनी है। जैसे कि हमारा प्रिंटर अब रेडी हो चुका है और आप देख पा रहे हैं हमारी इसमें इंक नहीं है पाइप में। हम इस बटन को होल्ड रखेंगे। होल्ड रखेंगे तो हमारा जो लाइट है ऑरेंज वाली, ये 5 टाइम ब्लिंक करेगी। जैसे 5 टाइम हमारी लाइट ब्लिंक करेगी, हम आपको इस पे वाले बटन को छोड़ देना है। तो हमने इस वाले बटन को, स्टॉप वाले बटन को होल्ड कर दिया है और लाइट गिनते हैं, 1 2 3 4 5। अब छोड़ देंगे हम इस बटन को। अब हमारा जो प्रिंटर है वो वर्किंग चालू हो चुका है और फ्रेंड्स, हमारा जो इंक है इस टैंक से ब्लैक और कलर्स हमारे इस पाइप में जा रहा है। तो जब तक हम वेट करेंगे, जब तक ये प्रिंटर आवाज़ करेगा और हमारी जो लाइट है वो ब्लिंक करेगी, तो हम प्रिंटर कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। हमारा प्रिंटर अभी भी आवाज़ कर रहा है, ये लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है, तो वेट करें। हमारा प्रिंटर इस टैंक से इंक ले रहा है और हेड तक पहुंचा रहा है। हम वेट करेंगे जब तक कि लाइट ब्लिंक कर रही है और प्रिंटर रन कर रहा है। इस कंडीशन में आप इस कवर को पेंट ना करें, नहीं प्रिंटर रुक जाएगा, अपनी प्रोसेस बंद कर देगा। तो इसको ना उठाएं। ये चीज़ उठा के देखने की कोशिश ना करें कि हमारी टैंक पाइप में इंक आ रही है कि नहीं आ रही है, ये चीज़ ना देखें। प्रिंटर को अपना वर्किंग करने दें, प्रिंटर ऑटोमेटिक अपना वर्क करेगा, कर रहा है। देखिए आवाज़ कर रहा है और इंक हेड तक पहुंचा रहा है। इस प्रकार की प्रक्रिया आप
5200 अगर एरर आ रहा है, और ये जो लाइट है वो 7 की बजाय 8 टाइम जल रही है, तो 8 टाइम अगर जल रही है आपके प्रिंटर में लाइट और बंद नहीं हो रही है, तो आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं और ये आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो सकता है। उससे पहले जो हमने फोटो कॉपी की थी कुछ इस प्रकार आ रहा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो कलर है वो सही नहीं आ रहा था, और जो हम फोटो कॉपी रखे थे वो इस प्रकार था, देख रहे हैं इसमें बिल्कुल साफ है और हमारा जो फोटो कॉपी है वो सही नहीं आ रहा था। हम आपको फिर से बता दें, कैनन का G2000 मॉडल है, या 2000 कह सकते हैं। अभी भी आपको वेट करना है जब तक कि आपका प्रिंटर रेडी ना हो जाए। अगर आधी प्रोसेस में आप इंक प्रिंटर को ऑफ करते हैं तो आपको फिर से फ्लैश करना पड़ सकता है और आपकी फिर से इंक जो है इम्पटी हो जाएगी, तो आपको डबल इंक लगेगी। और जो हेड क्लीन या फ्लैश होता है वो हमारे बेस्टेड इंक पैड में स्टोर होता है इस साइड पे। जैसे कि आप देख पा रहे हमारी लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही है, तो आपको कोई भी बटन प्रेस नहीं करनी है जब तक हमारी लाइट जो है ब्लिंक करना बंद ना हो जाए। प्रिंटर अभी भी आवाज़ कर रहा है। ये समय 5 से 10 मिनट काफ़ी टाइम लग जाता है, 5 से 10 मिनट के आसपास लग जाता है, तो कृपया वेट करें जैसा कि हम वेट कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, अब हमारी जो लाइट है वो रुक गई है और हमारा जो ब्लिंकिंग है वो स्टॉप हो गया है। अब हम इसमें जो है चेक करते हैं कि हमारे पाइप में इंक आ चुकी है कि नहीं आई है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी इस पाइप में इंक आ चुकी है और पीला कलर अभी नहीं आया है। तो पीला कलर यहां पे ना होने के कारण वो नहीं आया है, इन दोनों में कलर है। अगर आप ये प्रक्रिया आपको इंक यहां पे फिल करके आपको ये प्रक्रिया करनी है ताकि जो इंक है वो बराबर आ जाए पूरे पाइप में। तो हमने इस पर कलर नहीं फिल किया है और इन दोनों में कलर है, तो इसलिए तीन कलर हमारे आ चुके हैं और हमारा ये ब्लैक भी कलर है, इसलिए तीन कलर हमारे पास आ चुके हैं। एक कलर अभी नहीं आ रहा है तो इंक ना होने के कारण नहीं आ रहा है। तो आप इंक फिल करके प्रक्रिया करें और अब मारते हैं थोड़ा टेस्ट पेज और देखते हैं कि हमारा जो प्रिंटर है प्रिंट सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने ब्लैक वाली बटन प्रेस कर दिया है और दे दिया है कमांड फोटो कॉपी के लिए। हमारा प्रिंटर जो प्रिंट उठा चुका है और देखते हैं क्या आता है। गैस अभी भी देख रहे हैं हमारा जो प्रिंटर है वो सही नहीं आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका हेड की प्रॉब्लम है और इसका हेड ख़राब है। तो इस कंडीशन पे आप ज़्यादा मेहनत ना करें। अगर आपका हेड ख़राब है ऐसे होने के बाद अगर आपका प्रिंट भी ऐसे ही आता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी हेड ख़राब है और ये प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट नहीं हो पाई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।